गाइस, क्या आप लोग मुझे जानते हो? एसक्यूएल इंजेक्शन वाली वीडियो के अंदर मैं आया था। मेरा है ना 12th खत्म हो गया है। अब मैं अपने पापा से बोलूंगा मुझे एक नया लैपटॉप ला कर दे, प्रीमियम 90,000 का। पापा पूछेंगे ना क्यों, तो मैं बता दूंगा मैं हैकर बनना चाहता हूँ, एथिकल हैकिंग सीखूंगा। और हाँ, एक और बात बताऊंगा गाइस, जब वो लैपटॉप मुझे पापा ला कर देंगे ना 80,000 का, उसके अंदर मैं विंडोज को डिलीट करके काले लिनक्स चलाऊंगा। पापा फिर से पूछेंगे क्यों, तो मैं जवाब दूंगा क्योंकि सारे हैकर्स तो लिनक्स यूज करते हैं, काले लिनक्स मैं यूज करूंगा। और आपको एक और राज की बात बताता हूँ, लोग है ना बग बाउंटी करने के लिए बबसूट का प्रोफेशनल वर्जन यूज करते हैं, तो मैं अपने पापा से फिर से बोलूंगा मुझे प्रोफेशनल वर्जन ला कर दे, या फिर मैं लोगों के इंस्टाग्राम पर जाकर ये कमेंट करूंगा बबसूट का प्रोफेशनल वर्जन दे दो। और अगर ये सारा करने के बाद अगर मैं 3-4 महीने में बग्स नहीं फाइंड कर पाया, तो मैं बग बाउंटी छोड़ दूंगा, क्योंकि वही तो एक ऑप्शन है एथिकल हैकिंग फील्ड के अंदर। ऑलराइट गाइस, जो आप लोगों ने देखा वो आप में से ही कुछ ऐसे बिगिनर्स जो अभी अभी इस फील्ड के अंदर आए हैं, इस फील्ड को डिस्कवर किया है, उनके दिमाग के कीड़े हैं जो यहां से वहां दौड़ दौड़ कर उनके दिमाग को खत्म कर देते हैं। सॉरी फॉर माई बैड एक्टिंग, मुझे वो करना पड़ा ताकि वो बिगिनर्स मुझसे रिलेट कर पाए। अगर आप लोग इस फील्ड के अंदर हो तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे मिथ हैं, कुछ ऐसे डार्क ट्रूथ हैं बिगिनर्स के, उनको मैं आज खत्म करने वाला हूं, उसका नाश करने वाले हैं। तो ये वीडियो को एंड तक देखना। वेलकम बैक टू स्पिन द हैक, दिस इज एबेजिन, और ये वीडियो है टॉप 10 बिगिनर्स एथिकल हैकिंग मिथ बस्टेड। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स एक्सप्लॉइट। सबसे पहले जो हमारी मिथ है वो है, क्या एक हैकर के पास प्रीमियम लैपटॉप होना चाहिए? क्या उसको उसके लैपटॉप के ऊपर 90,000 रुपए खर्च करने चाहिए? इसका सिंपल सा आंसर मेरे पास है, नहीं। अगर आप लोगों के पास 45,000 का भी लैपटॉप है, 35,000 का भी लैपटॉप है, तब भी आप उसके ऊपर हैकिंग कर सकते हो। बस आपको इन्वेस्ट करना है तो कुछ 5-6 हजार, किसके लिए? SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और अपनी 2-3 GB रैम बढ़वा लो। आपका लैपटॉप हैकर के लिए काफी है, एक हैकर इतने लैपटॉप में भी काफी कुछ कर सकता है। आपने मूवीज में ये सारी चीजें देखी होगी कि बड़े बड़े स्क्रीन्स होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। रियल लाइफ में हैकर अपने छोटे से लैपटॉप के अंदर भी बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि हम सबको चलानी तो लिनक्स ही है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। ये भी एक मिथ है जो मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन लिनक्स हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं तो लिनक्स बेसिकली चल जाती है। और जहां तक बात आती है कि वर्चुअल बॉक्स विंडोज के साथ साथ चलाना है, तो इसीलिए मैंने आपको आइडिया दिया, SSD अपने कंप्यूटर के अंदर लगवा दो। सस्ता सा लैपटॉप ले लो, सस्ता यानी कि 45,000 35,000 का लैपटॉप ले लो, 80-90 हजार तक जाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर SSD लगवा दो, सब कुछ लगवा दो। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर सारे रिसोर्सेज दिखा दूंगा, जहां पर जाकर आप रेफरेंस ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजें करनी है। तो ये था मिथ नंबर 1, देयर इज नो नीड ऑफ प्रीमियम लैपटॉप फॉर हैकर्स। अब हम बात करते हैं मिथ नंबर 2, जो है बबसूट का प्रीमियम वर्जन। मैंने देखा है, जब से मैं इस फील्ड के अंदर आया हूं, जब से मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया है, तब से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि बबसूट का प्रोफेशनल वर्जन हमें चाहिए चाहिए चाहिए। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हैकर, बग बाउंटी हंटर, पेंटर्स एंड टेस्टर के पास बबसूट का प्रोफेशनल वर्जन होना चाहिए। बबसूट के कम्युनिटी वर्जन से भी वो काम चला सकते हैं, लेकिन अब बात आती है बबसूट के कम्युनिटी वर्जन की, तो वहां पर बहुत सारी चीजें स्लो चलती है, जैसे कि इंट्रूडर रेट लिमिट होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसकी जगह पर आप OF का ज़ैप यूज कर सकते हैं। ऐसा लोग बहुत कम करते हैं, बहुत सारे कम लोग OF ZAP को आगे प्रोमोट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब चीज है, बबसूट की तरह ही वो काम करता है। अगर आप YouTube पर जाओगे, अगर आप OF की वेबसाइट पर जाओगे, आपको गाइड्स मिल जाएगी, और मैं भी एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं ताकि बिगिनर्स की हेल्प हो जाए OF ZAP को यूज करने में। तो आप लोग OF ZAP के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, आपका टाइम बर्बाद मत करो लोगों को मैसेज करके बबसूट प्रोफेशनल वर्जन मांगने के लिए, ठीक है? आप अपने OF ZAP से भी काम चला सकते हो। और एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, टेलीग्राम आपकी बहुत मदद कर सकता है बबसूट प्रोफेशनल के लिए। तो यहां पर मिथ नंबर 3 जो हमारी है वो है, सर्टिफिकेट्स आर नॉट नेसेसरी। काफी सारे लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि हैकर बनने के लिए सर्टिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, आप अपने पैसे सर्टिफिकेशंस में बर्बाद ना करें। ये किसी हद तक सही भी है और किसी हद तक गलत भी है।
यहां पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूं, ये कोई फैक्ट नहीं है, मुझे जो लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सर्टिफिकेट्स आपके पास हो तो वो आपको ज्यादा एक्सपोजर देते हैं। अगर आप लिंक्डइन पर जाकर अभी सर्च करोगे साइबर सिक्योरिटी जॉब्स, अगर उसके रिक्वेस्ट साइट, उसके जो प्री रिक्वेस्ट साइट्स होते हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके अंदर आप जाओगे, वहां पर कहीं ना कहीं पर ये पॉइंट लिखा होगा सर्टिफिकेट्स आर गुड। अगर सर्टिफिकेट्स आपके पास है तो आपको ज्यादा यहां पर वेटेज दिया जाएगा, ऐसा वहां पर लिखा हुआ होता है। और सर्टिफिकेट्स कौन से चाहिए वो भी कई बार जॉब एप्लीकेशन के अंदर, जॉब रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिखा होता है, जैसे कि ईजेपीटी चाहिए हमको, सीईएच चाहिए। हालांकि सीईएच मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये लगता है कि सीईएच इज नॉट गुड नाउडेज, लेकिन तब भी काफी सारे लोग सीईएच ही मांगते हैं। तो मेरा बस ये कहना है कि सर्टिफिकेट्स को नेग्लेक्ट ना करें। आप फ्यूचर में जब पैसे कमाने लग जाए, बाउंटी मिलने लग जाए, कुछ भी करके जब पैसे आ जाए, तब आप सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करें, सर्टिफिकेट अच्छा सा चूज करें। मैं यहां पर 3 सर्टिफिकेट्स आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप लोग पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हो तो ईजेपीटी में जा सकते हो, सिक्योरिटी प्लस, पेन टेस्ट प्लस में जा सकते हो, और फ्यूचर में ओएससीपी कर सकते हो। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो बहुत डिमांडिंग रहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो अब हम बात करते हैं हमारे मिथ नंबर 4 की, जो है बग बाउंटीज ओनली ऑप्शन। ऐसा जरूरी नहीं है। इस फील्ड के अंदर मैंने काफी बार अपने इंस्टाग्राम में भी, स्टोरीज के अंदर भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी है लंबी लंबी लाइंस लिखकर, कि बग बाउंटी अकेली इस फील्ड के अंदर नहीं है। बग बाउंटी लोगों को क्यों लगता है कि ये फील्ड के अंदर आती है, क्योंकि जब भी लोग इस फील्ड के अंदर घुसते हैं तो वो कैसे घुसते हैं, वो न्यूज पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इस लड़के को इतने पैसे दिए बग्स को फाइंड करने के लिए, गूगल ने इस लड़के को इतने पैसे दिए, इस लड़की को इतने पैसे दिए बग्स फाइंड करने के, ये देखकर किसी को इंस्पिरेशन मिलती है और वो इस फील्ड के अंदर आता है, उसको सिर्फ बग बाउंटी दिखता है। ये नजरिया चेंज कर सकते हो आप लोग। एथिकल हैकिंग फील्ड के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारे डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी करियर्स हैं जो आप चूज कर सकते हो। ब्लू टीम होती है, रेड टीम होती है, आप अपने हिसाब से अपना पाथ चूज कर सकते हो। अगर आपको गाइड चाहिए, मेरी एक वीडियो है डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी करियर, जहां पर मैंने एक कंपनी के परस्पेक्टिव से समझाया है। हर्षिक्रॉप आपने सबने सुना होगा, हर्षिक्रॉप एक कंपनी है, तो उसके पर्सपेक्टिव से बताया कि उन लोगों को कैसे साइबर सिक्योरिटी के जॉब चाहिए, क्या क्या अलग अलग जॉब कैटेगरीज होती है, वो वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मिथ नंबर 5 की, जो है काली लिनक्स इज ओनली ऑप्शन। ऐसा जरूरी नहीं है। काली लिनक्स आपने देखा होगा काफी सारे हैकर्स यूज करते हैं, और लोग बोलते हैं कि हैकर को काली लिनक्स यूज करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। काली लिनक्स क्यों यूज करना चाहिए उसका एक मेन रीजन बताता हूं। उसके अंदर सारे टूल्स पहले से होते हैं तो आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास काली लिनक्स होना ही चाहिए, आप विंडोज के अंदर भी हैकिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे सारे जो टूल्स हैं वो विंडोज के अंदर चलते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे आप ये सेटअप कर सकते हो। आप लोग डॉकर का इस्तेमाल कर सकते हो, गो लैंग्वेज को आपने विंडोज के अंदर इंस्टॉल कर लो, क्योंकि सारे जो टूल्स हैं आजकल वो गो लैंग्वेज, पाइथन और रबी पे चलते हैं, तो ये 3 लैंग्वेजेस आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लो। और अगर कोई अलग मॉड्यूल पे चल रहे हैं तो डॉकर का मदद से आप वहां पर चला सकते हैं, और WSL की मदद से आप काली लिनक्स का टर्मिनल भी चला सकते हैं। तो विंडोज के ऊपर आप सारा काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास छोटा लैपटॉप है, वर्चुअल बॉक्स कैपेसिटी नहीं है, तो आप ये तरकीब अपना सकते हैं। विंडोज 7 भी आपके लिए काम कर जाएगा हैकिंग में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब हम बात करते हैं मिथ नंबर 6 की, जो है नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नो प्रोग्रामिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर हैकर। ये भी बिल्कुल गलत चीज है। काफी सारे लोग आपको ये एडवाइस करते होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, अगर आप इस फील्ड के अंदर आ रहे हो तो आज नहीं तो कल। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में सीखो, आज नहीं तो कल जब आपके पास लाइफ में फ्री टाइम हो, तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा बहुत भी सीख लेंगे 50-60%, वो आपको पक्का हेल्प करेगी। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है तब आप हैकिंग अच्छे से कर पाओगे, सेफ साइड की, एथिकल हैकिंग की बात कर रहा हूं। क्योंकि ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा ना कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को भी चोर की तरह सोचना पड़ता है। अब यहां पर भी वही सेम थोड़ा सा अलग होकर लागू होता है कि किसी वेबसाइट के अंदर गलती ढूंढने के लिए उस वेबसाइट को बनाने वालों की तरह सोचना पड़ता है। वेबसाइट को बनाया किसने है? प्रोग्रामर ने। प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग करके बनाया। प्रोग्रामिंग आपको आती होगी तो आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी, आप झांक कर चीजें फाइंड करवाओगे। अगर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेंटेशन टेस्टिंग की बात करते हो ना, तो उसके अंदर यही सारी चीजें मदद करती है। अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में पता है, तो आप एंड्रॉइड पेंटेशन टेस्टिंग अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि हम उसके कोड को पढ़ते हैं जब स्टैटिक कोड एनालिसिस करते हैं, तब उसका पूरा एक मेरे पास कोर्स है, आप मेरी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहता। अब हम बात करते हैं मिथ नंबर 7 की, इफ यू कांट फाइंड बग्स इन 2-3 मंथ्स, यानी कि आप अगर तगड़ी मेहनत करने के बाद भी 3-4 महीने में बग्स नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं। यह बिल्कुल गलत है।
पहले के टाइम पर 3-4 महीने में लोग इतने कैपेबल हो जाते थे और कंपटीशन इतना स्लो था, मेन पॉइंट लोगों को बग्स मिल जाते थे। लेकिन आज कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है इस फील्ड के अंदर कि आप 3-4 महीने में फाइंड करने भी जाओगे तो अगर आपका लक नहीं है तो आपको डुप्लीकेट मिल जाएंगे या फिर ना मिल जाएंगे। ना से मेरा मतलब है NA, यानी कि नहीं है, बग आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हो। अगर आप लोग और मेहनत करते रहोगे तो आप लोग एक्सपीरियंस बिल्ड करोगे, आप एक्सपीरियंस बिल्ड करोगे तो कल को आप उन सारे कॉम्पिटिशन में उठकर बाहर आओगे। ये मुझे लगता है एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब हम बात करते हैं मिथ नंबर 8, जो है एक हैकर को साइबर सिक्योरिटी की सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। नहीं, ये भी एक गलत चीज है। आप जो भी फील्ड के अंदर हो उस फील्ड का पर्सपेक्टिव भी अगर आपके पास है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अगर आप बग बाउंटी में हैं, तो आप लोगों को ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि डिजिटल फॉरेंसिक्स, टेक्नोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप स्टार्ट कर सकते हो लिमिटेड नॉलेज के साथ, लेकिन धीरे धीरे आप नॉलेज बढ़ाओगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप अगर इस फील्ड यहां पर बग बाउंटी कर रहे हो तो आपको ब्लू टीम के बारे में पता होना चाहिए, रेड टीम के बारे में पता होना चाहिए। इतना सब अगर दिमाग में डालोगे तो दिमाग आपका जो है वो धीमे-धीमे दबता जाएगा। उसको एकदम धीरे-धीरे भरो, एक साथ सब कुछ मत भरो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सब जगह ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं कि मैं फैक्ट बता रहा हूं। ये फैक्ट नहीं है, मैं खुद ऐसा फील करता हूं जो आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अब मैं बात करता हूं मिथ नंबर 9 की, हैकर्स बुक्स नहीं पढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल गलत चीज है। एज अ हैकर मैं आप सभी बिगिनर्स को ये रिकमेंड करूंगा, स्टार्टिंग में आप लोग बुक्स पढ़े। बुक्स कौन सी पढ़नी है, मैंने काफी सारे रील्स बनाई है इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन यहां पर भी 2-3 बुक्स के नाम दे देता हूं। बग बाउंटी प्ले बुक, वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक और एक मेंडरसन टेस्टिंग खुद बुक का नाम है। मैं सारे फोटोज आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, सारे रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जाकर वहां पर उन सारी चीजों को देख सकते हैं। बुक्स बिगिनर्स अगर आप हो तो बुक्स को पढ़ोगे तो आपका जो नॉलेज है वो ऐसे बढ़ेगा ना, ऐसे बढ़ेगा ना कि आप जो वीडियोस देखते हो, जो आप प्रैक्टिकल करते हो, उससे भी थोड़ा नॉलेज आपका बिगिनिंग टाइम पर बढ़ सकता है बुक्स पढ़ने से। अब हम बात करते हैं सबसे क्रिटिकल टॉपिक, जहां पर बहुत सारे लोग की लड़ाई हो जाती है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं और बहुत सारे लोग एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं, वो है मिथ नंबर 10, जो है एक हैकर को, एक बिगिनर को कोर्स नहीं लेना चाहिए। एज पर्सनल ओपिनियन मुझे लगता है कि अगर कोई कोर्स अगर आपको देखना आता है, अगर आपको रिसर्च करना आता है और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स वैल्यू फॉर मनी है, मैं आपको एक हिंट भी दे देता हूं। अगर किसी कोर्स के अंदर, चाहे वो टॉपिक्स भले इंटरनेट के ऊपर फ्री में अवेलेबल हो, ऐसा होता है, आज ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इंटरनेट के ऊपर फ्री में अवेलेबल नहीं है। अगर आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में जो पढ़ाते वो इंटरनेट के ऊपर है, स्कूल क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? ताकि आपको कोई और अच्छे से गाइड कर सके और आपका टाइम बच जाए। अगर आप खुद रिसर्च करोगे तो रिसर्च करने में सारी चीजें सीखने के लिए आपको पहले ढूंढनी पड़ेगी, फिर सीखना पड़ेगा और तब तक कंपटीशन बढ़ता जाएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर कोई कोर्स आपको 1,000 रुपए के अंदर, 2,000 रुपए के अंदर मिल जाता है ना, जो कोर्स काफी वैल्यू पैक करता है, अपने अंदर काफी सारे कंटेंट लेकर आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1,000 रुपए में आपको 5 वीडियोस मिल रही है, नहीं, अगर बहुत ज्यादा कंटेंट लेकर आता है तो वो कोर्स आप परचेस कर सकते हैं और उसको खत्म करना है। परचेस करके दूसरा परचेस करना नहीं है, एक कोर्स को खत्म करो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ बिगिनर आपका टाइम बच सकता है और आपको जो रिसर्च करने का जो प्रोसेस है, ऐसे रिसर्च करना आपको आना चाहिए, जरूरी है, लेकिन तब भी कॉम्पिटिशन में आप थोड़ा सा ज्यादा फास्टली आगे बढ़ सकते हो अगर आप कोर्स परचेस करते हो किसी रेप्यूटेड इंस्ट्रक्टर का। ठीक है, ऐसे नहीं यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को देखकर नहीं ले लेना है, कोई अगर आपको ट्रस्ट, आप ट्रस्ट करते हो, मैं अपने खुद के जो पॉकेट वीडियोस है उसमें भी मैं आप सबको बोलता हूं, अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो, मेरी टीचिंग स्टाइल पे ट्रस्ट करते हो तो मेरा कोर्स लो। और काफी बार मैं जो अपने कोर्स के चार्ज करता हूं ना, वो मैं अपने टीचिंग के करता हूं और अपने रिसर्च के करता हूं। मैं अपने टाइम के लिए आपसे पैसे ले रहा हूं, आपका टाइम बचा रहा हूं और आपको ऐसी चीजें इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप लोग उसको सीख जाओ। उसके मैं 25-50-200 रुपए लेता हूं, ज्यादा लेता नहीं हूं। उसी में से आप ही लोगों को बहुत सारे हेल्प करता हूं, काफी सारे लोगों को मैंने हेल्प करी हुई है, जो मैं ऐसा सिंपथी लेनी नहीं लेना चाहता हूं। और आगे आने वाले टाइम के अंदर मैं क्लाउड सर्टिफिकेशंस भी कुछ गिने चुने लोगों को फ्री में करवाने वाला हूं, खुद सिखाकर मेरे पैसों से सबको क्लाउड सर्टिफिकेशन जो जो मैं गिने चुने लूंगा उनको करवाऊंगा। आप कमेंट करते रहना, आपका नाम अगर मेरी आंखों के सामने रहता है तो आप शायद उस लिस्ट के अंदर हो सकते हैं। ये थे मेरे मिथ, ये थे मेरे पर्सनल ओपिनियन इस फील्ड के अंदर। मैं पिछले 2 साल से हूं, मुझे जो लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर यहां पर किसी का भी दिल दुखता है, यहां पर अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बोला हूं, तो आप लोग नीचे आकर प्यारा सा कमेंट में गाली देकर जा सकते हैं, गाली बककर जा सकते हैं और डिसलाइक का बटन होता है उसको दबाकर जा सकते हैं। यू आर वेलकम। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक तो करना ही है, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं आपको आपके भाई की तरह गाइड करूंगा इस फील्ड के अंदर। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, मिलता हूं मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।